ऊपर के लोगों में शरीर के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि ये शरीर बहुत ही घटिया क्वालिटी का शरीर है। वहाँ पर भी अगर खाएंगे वहाँ मल त्याग रहे होंगे, वो लोग कहेंगे तू ये स्वर्ग गंदा को कर रहा है तू। कहते हैं मैं सशरीर आ गया ना, इस शरीर के साथ ही एंट्री कर गया मैं, तो क्या करूँ, जो खाता हूँ निकालता भी हूँ। अरे ओहो, ये तभी बदबूएं फैली हैं यहाँ पर चारों ओर, गंदे। क्या चीज़? हाँ हाँ, अर्जुन जी, अर्जुन इनके स्पिरिचुअल बॉडी है भाई। हाँ हाँ, ये लोगों का शरीर ऐसा थोड़ी है, हड्डी मांस वाला शरीर है, तपस्या में तप करके इनका शरीर अलग हो चुका है। तो अद्भुत, इनका दिव्य अद्भुत शरीर होता है, कम से कम इवन मटेरियल बॉडी होते देखें, हाँ इवन डीमंस ऑल्सो। हाँ, तो तपस्या करके जो है ये शरीर को अपग्रेड करते हैं, भौतिक शरीर रहता है पर उसको अपग्रेड करते हैं, दैट दे कैन इवन ट्रैवल। नारद मुनि स्पिरिचुअल बॉडी, डिवाइन बॉडी। राक्षस लोग सिद्धियों से परिपक्व बॉडी, तो सिद्धियों की वजह से ये आर पार भी कर लेते हैं, सिद्धियाँ मिलती हैं। इसके लिए सिर्फ एक सिद्धि चाहिए होती है, हालांकि इसके लिए स्पिरिचुअलाइज भी नहीं करना, इवन मटीरियल बॉडी के साथ भी कोई जा सकता है अगर उसका सिद्धि है तो। या तो सिद्धियों से व्यक्ति जा सकता है, जैसे कि लाइक इन द बिगिनिंग महाभारत में करे थे ना, कि देयर वाज वन पर्सन जिसको कि व्हाट वाज हिज नेम, मनु, जिनको कि इंद्र ने जो है एक ऐसा नेकलेस दिया था दैट ही कुड ट्रैवल ऑल अक्रॉस, कहीं भी घूम फिर सकते हैं। तो ये बस इसके लिए एक सिद्धि चाहिए होती है, लेकिन यूजली इस शरीर के साथ हम लोग नहीं जाते उच्च लोगों में, क्योंकि ये बहुत ही घटिया क्वालिटी का शरीर है, थक भी जाएगा वहाँ पर। मैं अप्सरा के साथ भोग के औकात है, बस मैं एक मेरी औकात आज एक दिन में एक ही बार करवाता हूँ। अप्सरा के यू नॉनसेंस, एक ही बार कहता है बस थक गए अब मैं सोऊंगा, जा सो जा, किसने बुलाया इसको यहाँ पर, नहीं आ गया सह शरीर ही आ गया, इसको किसी ने बोल दिया तू सह शरीर पहुँच जाएगा। ओहो, सोएंगे भी ज़्यादा, डिप्रेशन में भी आ जाएंगे, जब डिप्रेशन आएंगे तो और सोएंगे, फिर खांसियाँ लगी हुई हैं, खांसियाँ लगी हुई हैं, अब कहाँ है केमिस्ट की दुकान, कहाँ है? कहता है वो तो पृथ्वी लोक में ही है, कहता है मुझे वहीं फेंक दो आप, वहीं जा। तो इसीलिए सह शरीर जाके करेंगे हम लोग, गंदगी मचाएंगे वहाँ पर और क्या। सो आज एक और एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रसंग आता है जो कि दान को लेकर के। एक समय ऐसा हुआ कि अगस्त्य ऋषि जो है वो मिलने के लिए आए श्री राम जी से, और उनके पास में बहुत ही सुंदर भेंट थी। तो उन्होंने कहा श्री राम मैं आपके लिए सुंदर भेंट लेकर के आया हूँ, सोने की थी, बहुत ही सुंदर वो गहना था जो कि श्री राम के लिए लेकर के आए थे। तो श्री राम ने कहा अरे तो बहुत ही सुंदर है, तो इतनी सुंदर भेंट मुझे आज तक किसी ने नहीं दी, बहुत ही सुंदर भेंट है ये तो अगस्त्य ऋषि। तो अगस्त्य ऋषि ने कहा ये आपके लिए। हाँ नहीं नहीं, वहाँ श्री राम ने कहा नहीं नहीं मैं, हम दान थोड़ी लेते हैं। कहते नहीं 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 आप इसको ले लीजिए, ये समझ लीजिए कि जिस तरह से एक ऋषि मुनि किसी देवी देवता को आशीर्वाद के तौर पर देते हैं कुछ, तो आशीर्वाद समझ करके आप इसको ले लीजिए। तो श्री राम ने ले तो लिया, लेकिन श्री राम ने पूछा ये इसकी हिस्ट्री क्या है, लेकिन क्या ये कहाँ से आया, ये बहुत ही सुंदर है ये। तो फिर अगस्त्य ऋषि ने बताया उनको, अगस्त्य मुनि ने, कि एक समय ऐसा हुआ था कि मैं ब्रह्मलोक गया था, और मैं जो वहाँ ब्रह्मलोक गया तो ब्रह्मलोक तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मनोरम स्थान है, इंद्र का लोक है उससे भी सैकड़ों गुना ज़्यादा ऐश्वर्य है वहाँ पर, और जो ओवरऑल वाइब्रेशन जो है बहुत ही सात्विक है, और एवरीथिंग इज सुपर ब्यूटिफुल, इफल्जन इलस्ट्रियस तेजस्वी ओजस्वी स्थान है बिल्कुल। तो ऐसे ही वहाँ पर एक सरोवर भी था, उस सरोवर को देखा उन्होंने, सरोवर के आसपास बहुत ही मनोरम था। और जब अगस्त्य ऋषि यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा तो बहुत ही विशेष स्थान है निश्चित रूप से, लेकिन एक जो चीज़ बड़ी अजीब थी वो ये थी कि ना उस सरोवर में एक डेड बॉडी तैर रही थी। कहीं डेड बॉडी वाला किसकी है ये, यहाँ पर डेड बॉडी, तो ब्रह्मलोक है यहाँ पर, यहाँ डेड बॉडी इस तरह से होना, स्वर्गलोक में जब डेड बॉडी नहीं होती यहाँ ब्रह्मलोक में डेड बॉडी। तो फिर जो है वो भी बैठ के इस बात पर विचार कर ही रहे थे, तभी जो है वहाँ से एक सेलेस्टियल प्लेन से एक व्यक्ति वहाँ पर उतरा, और वो इतना हैंडसम था, गुड लुकिंग था, बड़ा उसने अच्छे सुंदर कपड़े पहने थे, गहने पहने थे, उसके आसपास अप्सराएं थीं, लोग उसको चावल डुला रहे थे, आदर सम्मान कर रहे थे, जय जयकार कर रहे थे। और फिर वो जो है ऐसे करके नीचे उतरा, और फिर वो पानी में उतर करके इस डेड बॉडी के पास गया, और इस डेड बॉडी को खाने लग गया वो। तो अगस्त्य मुनि सोच लगे ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है, ब्रह्मलोक में मना ऐसे कैसे हो सकता है कि ब्रह्मलोक में कोई डेड बॉडी खा रहा है। तो अगस्त्य ऋषि जब वहाँ पर आए तो उनको देख के, उन्होंने जब देखा अगस्त्य ऋषि आए हुए, तो फिर उन्होंने छोड़ा उसको और आ गए यहाँ पर आ गए, और उनको प्रणाम किया, हमने प्रणाम किया। तो अगस्त्य ऋषि ने पूछा कि इतना मनोरम स्थान है ये, हालांकि यहाँ पर और कोई भी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आप ही को देख पा रहा हूँ, और आपका आप इतने सुंदर तरीके से यहाँ पर आए, आपकी वेशभूषा देखकर लगता है कि निश्चित रूप से बड़ा सौभाग्य आपका कि आप ब्रह्मलोक में, लेकिन ये ऐसे आप डेड बॉडी खा रहे हैं आप,
ये किसकी डेड बॉडी है? तो उन्होंने कहा ये ना मेरा नाम श्वेत है, ये मेरी ही डेड बॉडी है। कहता आप ही की डेड बॉडी है, आप अपनी डेड बॉडी खा रहे हैं, ऐसा कैसे? तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से मैं एक राजा था और वैसे तो सब कुछ पृथ्वी पे जब मेरा राजपाट चल रहा था बहुत सब चीज़ बड़ी पक्की थी, मैनेजमेंट बड़ा पक्का था, सैलरीज में सबको अच्छी दिया करता था, अपना ईयरली इंक्रीमेंट सबकी अच्छी हुआ करती थी, ऐश्वर्य वैभव था, सब कुछ था। तो जब मैं मरणोपरांत जब यहाँ ब्रह्मलोक में आया तो यहाँ पर भी आ करके ना मेरे को बहुत प्यास लगती थी, भूख लगती थी। स्वर्ग लोग में जो है भूख प्यास ऐसे नहीं सताती, लेकिन यहाँ मुझको बहुत ज़्यादा भूख प्यास सताती है। तो मैं ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, मैंने ब्रह्मा जी से पूछा कि ऐसा क्यों है कि मैं आपके लोक में आया हूँ, आपके लोक में तो यहाँ भूख प्यास सताती नहीं है, तो इज लाइक मतलब भौतिक जगत में इज लाइक वैकुंठ, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने तो बहुत दान पुण्य भी किया है, मैंने सब कुछ किया है, मैंने तो सब बड़ा स्वच्छ जीवन जिया, मैंने बड़ा निर्मल जीवन जिया, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने हमेशा सच बोला है, मैंने नियमों का पालन किया है, मैंने यज्ञ अनुष्ठान वगैरह भी किए, मैंने सब तो किया है मैंने, तो फिर ये भला ये मुझे यहाँ पर भूख प्यास लग रही है? ब्रह्मलोक तो मुझे मिला, वो समझ में आ रहा है निश्चित रूप से पुण्यों के कारण मैं यहाँ पहुँचाऊँगा, लेकिन बहुत भूख लग रही है मेरे को, क्या करूँ मैं? तो फिर ब्रह्मा जी ने उनको दिखाया कि सरोवर में जो डेड बॉडी है तुम उसको खा करके और उसमें जो तुम्हारा बचा हुआ खून है उसको पी करके तुम्हारी प्यास और जो भूख है वो मिटेगी। कहा लेकिन ऐसा कैसे? ब्रह्मलोक में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ लेकिन साथ में ये क्या? तो उन्होंने कहा कि ना आपने सब कुछ अच्छा किया, एज अ किंग आपने सब बड़ा अच्छा सपोर्ट किया, बड़ा अच्छा आपने जस्टिस भी किया, आपने न्याय दिया, बहुत बढ़िया था सब कुछ, लेकिन एक चीज़ जो आपने राजा होते हुए नहीं की वो ये थी कि ना आपने कभी दान नहीं दिया। तो उन्होंने कहा नहीं मैं दान तो दिया है, मैं दान दिया करता था, मैं गरीबों को खिलाया करता था, कई मंगलवार जो है हो गया हनुमान जी के नाम पे, फिर मैं खिलाया करता था मैं। मैंने कहा नहीं आपने खिलाया लेकिन ना कभी भक्ति वाला दान आपने नहीं किया, वैसे वाला सांसारिक दान तो आप भले आपने किया लेकिन भक्ति संबंधित श्री हरि से संबंधित आपने दान कभी नहीं किया। जबकि राजा होते हुए राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि प्रजा को कृष्ण भक्ति की ओर हरि भक्ति की ओर उन्मुख करना, लेकिन हरि भक्ति की ओर कभी आपने किसी को उन्मुख किया ही नहीं और हरि भक्ति को के प्रति उन्मुख करने के लिए कभी को फैसिलिटी के लिए दान दिया ही नहीं, कभी किसी मंदिर के लिए दान दिया ही नहीं। तो वैसे आपने बहुत कुछ अच्छा किया तो आपको यह ब्रह्मलोक में स्थान मिला, लेकिन एक जो चीज़ आपने नहीं की जो राजा के तौर पे करनी चाहिए, मनुष्य जीवन में करना चाहिए, मनुष्य जीवन के साथ साथ राजा के तौर पर आपको करना चाहिए था जो कि आपने नहीं किया, वो ये था कि श्री हरि की सेवा में, श्री हरि के भक्तों की सेवा में आपने कभी दान दिया ही नहीं, क्योंकि आपने राजा होते ये सुपर डुपर फ्लॉ किया दान ना दे करके, जबकि आपके पास फैसिलिटी थी। इसीलिए यहाँ पर आपको ब्रह्मलोक में स्थान तो मिला क्योंकि आपने पुण्य बहुत किए हैं, लेकिन आपको ये भूख प्यास सता रही है वो अपने इस फ्लॉ की वजह से सता रही है कि आपने श्री हरि की सेवा में, हरि के भक्तों की सेवा में आपने दान नहीं दिया, इसीलिए आपको यहाँ ब्रह्मलोक में ये सजा मिलेगी कि आपको भूख प्यास मिटाने के लिए अपनी ही डेड बॉडी जो कि पृथ्वी लोक की आपकी जो डेड बॉडी है इसको खा करके, इसको इसका खून पी करके अपनी भूख प्यास मिटानी होगी। तो उन्होंने कहा लेकिन कब तक हो गए? उन्होंने कहा जब एक दिन आपके पास अगस्त ऋषि आएंगे और आप अपना ये एक बहुत ही बहुमूल्य ऑर्नामेंट जब आप उनको देंगे उस दिन आप इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे, फिर आप ब्रह्मलोक में रहेंगे लेकिन फिर आपको ये कार्य नहीं करना पड़ेगा, फिर आपको भूख प्यास नहीं सताएगी आपको ऐसा। तो फिर अगस्त ऋषि जो है जब आए तो उन्होंने कहा मेरा आपका बड़ा धन्यवाद है कि आप यहाँ पर ब्रह्मलोक में आए, ब्रह्मलोक में आपके दर्शन करके आज मेरा श्राप खत्म हुआ है। तो फिर उन्होंने प्रणाम किया, उनको ये गिफ्ट किया और फिर ये जो ऑर्नामेंट था फिर इसको लेकर के आए और उन्होंने श्री राम को दिया। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट महिमा है कि दान करना अच्छी बात है, गरीबों को खिलाना उसके लिए मना नहीं है, लेकिन गरीबों को हम क्या खिलाते हैं, सिर्फ खाना या प्रसाद? हम लोगों सिर्फ मटीरियलिस्टिक मोटिवेशन देते हैं या हरि की कथाएं देते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है वास्तव में। तो इसीलिए ये वाला दान करना, भक्ति का दान करना, भक्ति के ज्ञान का दान करना, अविद्या को दूर करने के लिए भक्ति से ओतप्रोत दिव्य ज्ञान देना, ये सबसे बड़ा दान है वास्तव में और ये दान अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति फिजिकल वेल्थ का दान कर सके तो ज्ञान का दान करे, दैट मीन्स एवरीवन शुड बी प्रीचिंग, सो वी मस्ट डू दैट। तो ये जब श्री राम ने सुना दैट वॉज वेरी एक्सिलरेटिंग।
अब वैसे हमने कल चर्चा की थी किस प्रकार से जब वाल्मीकि मुनि के जब जब श्री राम ने लव और कुश से जब रामायण ही सुनी उनसे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं, तो उन्हें ये नहीं बताया कि हम सीता के पुत्र हैं, उन्होंने बताया कि ना हम वाल्मीकि मुनि के डिसाइपल्स हैं। कहते अच्छा वाल्मीकि मुनि, तो श्री राम वाले जानते हैं कि वाल्मीकि मुनि के आश्रम में कौन रहता है, सीता मैया रहती। तो श्री राम ने कहा कि हम वाल्मीकि मुनि से मिलने के लिए चलेंगे, उनके आश्रम में भी गए। तो उस वक्त जो है लीला के तौर पर ऐसा हुआ कि अयोध्यावासी कुछ ऐसे थे जो कि डाउट कर रहे थे सीता मैया के पवित्रता के बारे में, अभी भी आफ्टर सो मेनी ईयर्स एज वेल स्टिल। तो उस वक्त ही सीता मैया ने अपनी प्योरिटी को फिर से स्थापित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मैं वाकई मैं हमेशा पवित्र रही हूँ और मेरे चिंतन में श्री राम के अलावा कभी कोई नहीं रहा, अगर ऐसा अगर ये सच है तो जो भूमि है वो अभी फट जाए और फिर मैं उनके अंदर मैं भूमि देवी की गोद में बैठ करके मैं भूमि में समा जाऊँ। तो अभी उन्होंने सिर्फ फटने की बात की थी, समाने की बात समाना तो उन्होंने फिर बाद में प्लान बनाया क्योंकि लीला समाप्त करनी, देन दैट वे शी एंटर्ड भूमि। तो ये हमने चर्चा कल भी की थी किस तरह सीता मैया गई। तो सीता मैया जब गई तो बहुत भावव्याल हो गए उसके बाद श्री राम कि जब अब सीता मैया ही नहीं है, जब लीला के अंदर अभी कम से कम थी तो सही ऑनर, मतलब थोड़ा एक फिजिकल डिस्टेंस है कि अब वाल्मीकि मुनि के आश्रम में श्री राम अयोध्या में और वाल्मीकि मुनि के आश्रम में सीता मैया, लेकिन अब तो सीता मैया ने अपनी लीला समाप्त ही कर दिया। अभी तो सुनाओ श्री राम वाज ऑल्सो प्लानिंग कि अब लीला समाप्त कर लिया। तो ऐसे एक समय क्या हुआ, एक ऋषि जो कि वास्तव में काल हैं वो आए मिलने के लिए। तो लक्ष्मण जी से मिले, उन्होंने कहा मुझे श्री राम से मिलना है। तो श्री राम उनके पास उनको लेकर गए, तो कहा श्री राम मुझे आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत करनी है और मैं चाहता हूँ कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कोई भी बीच में इंटरप्ट ना करे। तो श्री राम ने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप चिंता मत करिए, आप बिल्कुल बात करिए, आप कोई इंटरप्ट नहीं करें, नहीं ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं चाहता हूँ बीच में कोई इंटरप्ट ना करें। तो श्री राम ने कहा आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अगर कोई बीच में इंटरप्ट करेगा ना तो मैं उसके प्राण ले लूँगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। तो उन्होंने कहा लक्ष्मण अब आप बाहर गार्ड करो, कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए, ये जो ऋषि आए हुए हैं वो इज एक्चुअली काल, तो इनकी इनसे बातचीत होनी शुरू। तो काल ने जो है अब श्री राम से बात करनी शुरू की, ना मैं तो ब्रह्मा जी ने मेरे को भेजा है वास्तव में और मैं आप ही की शक्ति हूँ, और ब्रह्मा जी ने जो है आपको रिमाइंड करने के लिए भेजा है कि अब लीलाएं जो है आपने जो है यहाँ पर की, कईयों का उद्धार किया आपने, कई राक्षसों का वध भी किया आपने, कई साधु संतों को आपने नरिश भी किया, उनको आशीर्वाद दिया, आपकी इस अद्भुत अति मनोरम लीला इसका आस्वादन सभी ने किया है, सबका कल्याण हुआ, पूरी पृथ्वी जो है तर गई आपके चरणों के स्पर्श के द्वारा, इसलिए यदि अब आपकी इच्छा हो तो अब आप अपनी लीलाओं को समाप्त कर सकते हैं और वापस साकेत धाम आप ही के धाम जा सकते हैं। तो श्री राम के साथ अभी ये बातचीत कर ही रहे थे वो, तो बाहर आकर दुर्वासा मुनि, और दुर्वासा मुनि बोले कि ना लक्ष्मण मुझे अंदर जाना है, अभी मुझे राम से अभी ना तुरंत मिलना है मेरे को। कहता तुरंत नहीं, अभी नहीं मिल पाएंगे आप। कहते कैसे तुरंत नहीं मिल सकता भाई, मुझे तुरंत मिलना है। नहीं समझिए अभी अंदर ना किसी से बात कर रहे हैं और राम जी ने मना किया है। तारे जानते नहीं मुझे, श्राप एक्सपर्ट दुर्वासा मुनि, मैं 1000 साल का व्रत रख के आया हूं, उसके बाद अब मुझको आज व्रत तोड़ना है, और मैंने सोचा था श्री राम के यहां पर मैं भोजन प्राप्त करके अपने व्रत को तोड़ूंगा, तो क्या चाहते हो तुम कि मैं राम भरत शत्रुघ्न तुमको और तुम्हारे सारे परिवार को मैं श्राप दे दूं। तो उसके बाद फिर लक्ष्मण जी ने सोचा अगर मैं जाने दूंगा अगर तो सिर्फ मेरी मृत्यु होगी, और इनको नहीं जाने दिया ना तो सबका नाश होगा, तो ऐसा करता हूँ फिर मैं ही चले जाता हूँ अंदर। तो लक्ष्मण जी अंदर चले गए, लक्ष्मण जी अंदर जब चले गए तो अब हालांकि राम जी की काल पुरुष के साथ बातचीत हो चुकी थी ऑलमोस्ट, तो अब वो उठ ही गए थे अब, तो तभी जो है लक्ष्मण आ गए। तो राम ने कहा तुम बीच में आ गए, कहते वो दुर्वासा मुनि बाहर आए हुए हैं बड़े क्रोध में और कह रहे हैं कि अगर मैं उन्हें अंदर नहीं आने दूंगा तो फिर वो सबको श्राप दे देंगे और सब कुछ नष्ट कर देंगे वो। तो श्री राम आए कि दुर्वासा मुनि से मिले, उनको बिठाया, उनका व्रत तोड़वाया, उनकी सेवा की, लाइक दैट। इस तरह से काल पुरुष भी चले गए, दुर्वासा मुनि भी चले गए। लेकिन उसके बाद श्री राम ने सोचा मैंने तो ये वचन दिया था कि कोई भी हमारी बातचीत के बीच में, मेरी और काल पुरुष की बीच बातचीत के बीच में जो भी आएगा तो मैं उसका वध कर दूंगा, लेकिन लक्ष्मण ही बीच में आ गया तो अब क्या करें फिर। तो सभी जितने भी उनके पास मुनिगण थे, उनके पास वशिष्ठ मुनि थे और बाकी जो मुनि थे उनको बुलाया, उन्होंने कहा ऐसी ऐसी स्थिति है अब क्या करना चाहिए। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि देखिए क्योंकि आपने ये वचन लिया है कि और श्री राम का विशेष रूप से जो ये वचन है वो तो कभी फेल नहीं हुआ, तो इसीलिए अब आपको इस बात का पालन करना पड़ेगा।
तो आप अगर इस बात को लेकर हिचकिचा रहे हैं कि लक्ष्मण का वध कैसे करें, तो लक्ष्मण का वध मत करिए, लक्ष्मण को यहाँ से जाने के लिए बोल दीजिए। तो लक्ष्मण को जो है उन्होंने बोल दिया, लक्ष्मण ने कहा ठीक है अगर आपकी ये इच्छा है तो मैं चलता हूँ। तो लक्ष्मण ने क्या किया, अयोध्या छोड़ दिया और राजमहल से निकल पड़े और सरयू नदी के पास चले गए और वहाँ पर श्री राम का नाम लेते लेते सरयू नदी में प्रवेश कर गए। इसके बाद श्री राम ने कहा अब तो सीता भी चली गई, अब तो लक्ष्मण भी चले गए, अब मैं क्या करूँगा। वैसे तो फिर भरत को बोला, भरत अब आप ये राजपाट संभाल लो, अब मैं आई वॉन्ट टू रिनाउंस, बस अब मैं विरक्त जीवन जीना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ, बस अब मैं अब अपना जीवन और नहीं जीना चाहता इस प्रकार से ठाठ बाट में। भरत ने कहा ना ना ना, जहाँ पर आप जाएंगे वहीं पर हम जाएंगे, अब आपके बिना हम नहीं रह सकते, असंभव हमारे लिए, आपके बिना हमारा जीवन असंभव है, तो इसलिए अब आप जहाँ जाएंगे हम भी वहीं चलेंगे। शत्रुघ्न ऐसा करो, तुम ये राजपाट संभालो, मैं जा रहा हूँ राम जी के साथ। शत्रुघ्न ने कहा आप मेरे स्वामी हैं, जहाँ मेरे भरत जाएंगे वहीं पर मैं जाऊँगा। वो भी इनकी भेज चल दिए, साथ में जो माताएँ थी वो भी चल दी। इस तरह से सब के सब अयोध्यावासी सब के सब राम जी के पीछे चल दिए। तो राम जी चल रहे हैं साथ में, उनके साथ उनकी और शक्तियाँ भी चल रही हैं, भू नील इत्यादि, उनकी आध्यात्मिक शक्ति, उनकी लीला शक्ति, उनकी क्रिया शक्ति, ये सब जो शक्तियाँ हैं, श्री राम आगे चल रहे हैं, उनके आगे पीछे सब उनकी शक्तियाँ भी चल रही हैं, साथ उनके भाई भी चल रहे हैं, साथ उनकी माताएँ भी चल रही हैं, अयोध्यावासी भी चल रहे हैं। और इस प्रकार से श्री राम जो है सरयू नदी के पास बैठे और वहाँ बैठ करके कुछ समय के लिए आंखें बंद की, उसके बाद फिर सरयू नदी में प्रवेश कर गए। उसके बाद भरत जी भी प्रवेश कर गए, शत्रुघ्न भी प्रवेश कर गए, सब प्रवेश कर गए, सारे अयोध्यावासी सरयू नदी के अंदर प्रवेश कर गए। पर जब वो प्रवेश कर दिए तो ऐसा हुआ, तुरंत वहाँ पर अनंत शेष प्रकट हो गए और अनंत शेष के ऊपर भगवान विष्णु भगवान नारायण वहाँ प्रकट हो गए। उनके चरणों में सीता मैया जो भूमि से थी, भूमि से वो आई सीता मैया के रूप में और वो भी प्रकट हो गई। जो शंकर चक्र थे वो भी भरत और शत्रुघ्न के रूप में वो भी प्रकट हो गए और जितने भी अयोध्यावासी थे वो उनके नित्य पार्षद के रूप में वो भी प्रकट हो गए। और ऐसे के ऐसे सारा कारवां सबके सामने, वहाँ और कोई बचा नहीं था हालांकि, पर अब ये सब के सब एज इट इज साकेत धाम चले गए। इस तरह से श्री राम जी ने अपनी लीला समाप्त की। सियावर रामचंद्र की जाए। तो श्री राम की जो लीला है, उनका जो गुणगान है रामचरितमानस के आखिरी कुछ चैप्टर्स में बहुत सुंदर हुआ है कि वहाँ पर बेसिकली काकभूषुंडी और जो गरुड़ जी हैं उनके बीच में संवाद चल रहा है। तो गरुड़ जी जो है कुछ सवाल पूछते हैं उनसे, तो सात सवाल पूछते हैं। तो सात सवाल क्या है, पहला सवाल यह है कि सबसे बेहतरीन रूप भला कौन सा है, दूसरा है सबसे बड़ा कष्ट क्या है, तीसरा है कि सबसे बड़ा आनंद क्या है, चौथा ये कि संतों के क्या क्या स्वभाव होते हैं, और उसका पांचवा दुष्टों के क्या क्या स्वभाव होते हैं, छठा कि सबसे ज़्यादा धार्मिक पुण्य क्या है, और सातवां कि सबसे बड़ा पाप क्या है। ये सात सवाल पूछे। तो गरुड़ जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, तो एक्सक्यूज मी काकभूषुंडी जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो सबसे सुंदर रूप है वो है मनुष्य रूप, क्योंकि इस मनुष्य रूप में राम जी की भक्ति संभव है, इस मनुष्य रूप में राम जी के बारे में श्रवण हो सकता है। ये मनुष्य रूप ही है जिसमें कि भोग करके व्यक्ति नरकों में भी जा सकता है, पाप करके जो है नरक में जा सकता है, और चाहे तो पुण्य करके स्वर्ग जा सकता है। और अगर इसी मनुष्य जीवन में अगर कोई वाकई में समझदार है तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपने विवेक का प्रयोग करके वो प्रभु के धाम भी जा सकता है, साकेत धाम भी जा सकता है। तो इससे संसार में जितने भी रूप हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ रूप है ये मनुष्य रूप। और जितना ये महान है उतना अधिक ये दुर्लभ भी है, बड़ी कठिनाई से मिलता है ये मनुष्य रूप। लेकिन क्योंकि व्यक्ति जो है पशुमय जीवन में जीता आ रहा है, तो इसीलिए ज़्यादातर लोग इस मनुष्य जीवन को भी पशु की तरह जीते हुए बिता देते हैं। लेकिन सबसे सुंदर जो है, सबसे महत्वपूर्ण जो अगर वो रूप है तो ये मनुष्य रूप है, इसमें श्री राम जी की भक्ति संभव है। इसीलिए दूसरा ने बताया कि ना सबसे बड़ी मिजरी, सबसे बड़ा कष्ट क्या है। तो फिर काकभूषण जी कहते हैं सबसे बड़ा कष्ट है निर्धनता, हरि भक्ति की निर्धनता, ये सबसे बड़ा कष्ट है। हरि भक्ति की जब निर्धनता होगी, ऐसा व्यक्ति जो है भले उसके पास ऐश्वर्य हो वैभव हो,
यानी निर्धन नहीं है भाई रूप से देखा जाए, लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति दुख में अपना जीवन बिताएगा, इवन उसकी खुशियों के अंदर भी दुख होंगे। दुख तो दुख में तो दुख दुखी होगा ही होगा, इवन सुख के अंदर भी कभी भी दुखी हो जाएगा वो। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति जो कि निर्धन है हरि भक्ति से, ऐसा व्यक्ति जो है सबसे ज़्यादा दुखी रहेगा। भले ही को तपस्या कर ले, यज्ञ कर ले, दान कर ले, व्रत रख ले, वैराग्य कर ले, या जीव दया कर ले, जो भी कर ले, लेकिन अगर वो श्री राम के प्रति उन्मुख नहीं है तो उसका जीवन दुर्भाग्यशाली है। और यदि उसका मन, उसका हृदय, उसकी चेतना, उसकी भावनाएं राम के प्रति उन्मुख हैं, उसका जीवन जो है सौभाग्यशाली, उसके जीवन में आनंद रहेगा। तो सबसे बड़ा जो कष्ट है वो है निर्धनता हरि भक्ति की, फाइनेंशियली नहीं। सारे तो सारे साधु संत बड़े दुख में ही रहते हैं, तो निर्धन होते हैं तो, लेकिन हरि भक्ति की निर्धनता ये सबसे बड़ा दुख है वास्तव में। अच्छा, तो ये दुख आता कैसे है? संतों के संग से दूर रह करके ये निर्धनता आती है। तो जो व्यक्ति संतों से दूर है, साधु संतों से दूर है, ऐसा व्यक्ति के जीवन में दुख ही रहेगा। सबसे बड़ा दुख अगर लेना है तो संतों से दूर चले जाओ। तो तीसरा सवाल यह कि फिर अच्छा दुनिया में सर्वश्रेष्ठ प्लेजर क्या है? तो वहां पर फिर काक भुशुंडी जी कहते हैं कि सबसे बड़ा प्लेजर, सबसे बड़ा आनंद है हरि के भक्तों के संग में रह करके हरि की भक्ति को विकसित करना। ये वास्तव सबसे बड़ा आनंद है संसार में। और ये आनंद ऐसा है जो कि ठहरता है, और ये आनंद ऐसा है जो कि बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो ये सबसे बड़ा आनंद है कि हरि के भक्तों के संग में रह करके हरि की चर्चा करना और हरि से प्रीति बढ़ाना, ये सबसे बड़ा आनंद है वास्तव में। इसी का उल्टा क्या है? हरि के भक्तों से दूर जाना और हरि की भक्ति से निर्धनता, ये सबसे बड़ा दुख है। तो ये तीसरा सवाल हो गया। फिर चौथा सवाल था कि संतों के क्या क्या व्यवहार होते हैं। तो उन्होंने कहा सबसे बड़ा जो संतों का व्यवहार है, जो उनका इनहेरेंट गुण होता है, वो है दूसरों पर दया। जो दूसरों के लिए जीते हैं, एक ऐसा पेड़ जिसमें कि जड़ी बूटियां उगती हैं, जिसमें कि जिसकी छाल भी दूसरों को फायदा देती है, तो ऐसा पेड़ जो अपनी छाल से भी दूसरों को लाभ देता है, अपनी लकड़ी से भी दूसरों को फायदा देता है, अपनी छाँव से भी लोगों को फायदा देता है, और उसके बाद कट करके भी लोगों को फायदा देता है, ऐसे होते हैं हरि के भक्त। ये उनका स्वभाव होता है। सो इन द म्यूनिफिसेंस विच दे कैरी, यानी उनके अंदर जो दयालुता है, जो दूसरों को जो देने की इच्छा है, ये उनका नंबर वन गुण है वास्तव में। तो उनके पास हरि भक्ति का गुण होता है, उस हरि के हरि भक्ति के गुण को लेकर के वो सबको बांटते हैं, श्री राम की भक्ति को लेकर के और बांटते हैं। ये संतों का स्वभाव होता है वास्तव में। बड़े सहनशील होते हैं वो, उनके ऊपर आरोप लगते हैं, लोग उनकी निंदा करते हैं, लेकिन फिर भी सबको सहते हुए वो औरों का कल्याण करते हैं। जो खुद जलते हैं तपस्या में औरों के लिए, वो संत होते हैं। जो दूसरों को लेकर के चिंता में जलते हैं, वो संत होते हैं। जो दूसरों को लेकर करुणा में हमेशा भाव बहुत ही क्या बोलेंगे भावपूर्ण रहते हैं, या ओवरवेलम रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा भावुक रहते हैं, दूसरों कष्टों को लेकर के सोच रही है उसके कष्टों को कैसे दूर किया जाए, ये उनका इनहेरेंट स्वभाव होता है। जो कि दूसरों के कष्ट को लेकर इसका हृदय पसीज नहीं रहा, वो संत है ही नहीं। तो ये संतों का स्वभाव होता है। अच्छा, दुष्ट होते हैं उनका क्या स्वभाव होता है? ये पाँचवा सवाल। उनका पांचवा जो है, जो संतों का स्वभाव है, इसका उल्टा दुष्टों का स्वभाव होता है। जो दूसरों को कष्ट देते हैं, जैसे ओला होता है ना, ओला क्या करता है? जब गिरता है तो खेती भी बर्बाद कर देता है, खुद ही पिघल के मर जाता है। तो ऐसे ही जो दुष्ट लोग होते हैं, वो दूसरों का भी को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, और साथ साथ में खुद भी मर जाते हैं उसके बाद। फिर ये लोग भांग के जैसे होते हैं, भांग अगर कट भी जाती है तो कट के और लोग जब भांग पिएंगे, उनका और बेड़ा गर्क ही होगा। तो ये मर के भी दूसरों को दुख देते हैं, जी करके भी दूसरों को दुख देते हैं। तो ये भांग की तरह होते हैं ये लोग, बुरे लोग। ये उनका नेचर होता है, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, और अपने स्वार्थ के लिए किसी को कष्ट पहुंचाने में बिल्कुल नहीं कतराते, ये इनका स्वभाव होता है। तो ये पांचवा। फिर छठा, सबसे ज़्यादा पुण्य कार्य क्या है, सबसे बड़ा पुण्य क्या है? तो वहाँ पर काकुभूषण जी कहते हैं सबसे बड़ा पुण्य है अहिंसा। अच्छा, अहिंसा कैसी? अहिंसा हरि भक्ति को दूसरों में बांटने की अहिंसा। जो हरि भक्ति नहीं बांट रहा वो हिंसा कर रहा है। द वन हु इज नॉट प्रीचिंग
गॉड कॉन्शियसनेस, राम भक्ति, हरि भक्ति, कृष्ण भक्ति, जो दूसरों में नहीं बांट रहा, ऐसा व्यक्ति हिंसा कर रहा है। और जो औरों में हरि भक्ति को बांट रहा है, वो वास्तव में दयालु है। तो सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है पूरी सृष्टि के अंदर दूसरों को हरि भक्ति के बारे में बताना, ये सबसे बड़ा पुण्य कार्य है वास्तव में। प्रीचिंग, इसे प्रभुपाद जी बोला करते, प्रीचिंग इज द एसेंस। तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि स्वामी जी, व्हाट विल हैपन टू द हरे कृष्ण मूवमेंट आफ्टर यू लीव? आपके जाने के बाद क्या होगा हरे कृष्ण मूवमेंट को, क्या होगा यहाँ के भक्तों का? प्रभुपाद ने कहा, दे विल ऑल बिकम हिप्पीज इफ दे डू नॉट प्रीच। प्रचार नहीं करेंगे तो सबके सब हिप्पी हो जाएंगे। तो प्रचार का कार्य जो है करना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट जो भक्ति है वो बची रहती है कैसे? प्रचार के द्वारा। इसको बोलते हैं प्रिजर्वेशन बाय प्रोपगेशन। प्रिजर्व कैसे करेंगे हम? प्रोपोगेट करके। तो सबसे बड़ा जो पुण्य है वो है श्री राम की भक्ति के बारे में, हरि की भक्ति के बारे में दूसरों को बताना। दिस इज द टॉप मोस्ट मेरिट, दिस इज रियल नॉन वायलेंस, ये असली अहिंसा है वास्तव में। अच्छा, मोस्ट टेरिबल सिन, सबसे ज्यादा घनघोर पाप क्या है? तो कागभूषणी जी ने क्या कहा कि सबसे बड़ा पाप है दूसरों की निंदा करना, विशेष रूप से जो हरि भक्तों की निंदा करते हैं, हर की निंदा करते हैं, यानी शिवजी की निंदा करते हैं, हरि की निंदा करते हैं। ऐसे लोग जो कि भगवान की निंदा करते हैं, शिवजी की निंदा करते हैं, ये लोग तो मेंढक बनते हैं और हजार जन्म तक मेंढक ही रहते हैं, उसके बाद नरकों में वास करते हैं। जो ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, वैष्णवों की निंदा करते हैं, ऐसे लोग सांप बनते हैं और कई जन्मों तक उनको सांप की योनि में भुगतना पड़ता है। उसके बाद फिर वो चमगादड़ बनते हैं। चमगादड़ जिस तरह से मुंह से मल निकालता है, उस तरह से ये लोग भी जन्मों जन्मों तक मुंह से मल निकालते हैं, क्योंकि लोग निंदा करते हैं। क्योंकि हरि की कृपा जो है सबको तारती है, लेकिन हरि कृपा जब देखते हैं निंदुक को तो मुंह फेर के वो भी आगे चली जाती है। तो इसलिए अगर हरि कृपा से दूर रहना चाहते हैं तो निंदा करें, और अगर हरि कृपा को पाना चाहते हैं तो निंदा कभी ना करें, किसी की निंदा ना करें, किसी की निंदा ना करें, ना हरि की, ना हर की, ना वैष्णवों की, ना वास्तविक ब्राह्मणों की, कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो सात सवाल थे इनका जवाब दिया, जो कि सबके सब हरि की भक्ति, श्री राम की भक्ति इससे कनेक्टेड है। इसके बाद फिर उसमें ये बताते हैं कि ना, वैसे तो मेरे में जितना साक्षात्कार था मैंने उसके अनुसार आपको बताया है श्री राम की महिमा के बारे में, लेकिन क्योंकि आपकी बहुत इच्छा थी सुनने के बारे में, सुननी, तो आपकी उत्कंठा को देख करके मैं भी हृदय से बोल पाया श्री राम के बारे में। तो इसलिए अगर सुनने वाले अगर बहुत सजग रहते हैं, आँख खोल करके सुनते हैं, ऐसे करके नहीं सुनते और ध्यान से सुनते हैं, तो उनकी उत्कंठा क्या करती है, किसी प्रवचन करता हो चाहे वो कोई भी हो, उसका मन करता है कि हम और हरी कथा बांटें, क्योंकि सबका सुनने का बहुत मन है यहाँ पर। तो व्यक्ति भी फिर अपने हृदय से और मारता। तो इसलिए फिर कागभूषणी जी ने कहा कि मैं हृदय से बता पाया क्योंकि आपकी बड़ी सुनने की उत्कंठा थी इसीलिए। अच्छा, ये जो हरी कथा है, श्री राम की कथा वाला किसको नहीं करनी चाहिए? तो ने कहा, जो वैष्णव निंदुक है, जो ईर्ष्यालु है और जो कामुक है, इनको नहीं करनी चाहिए। ये लोग जो है हरि भक्ति को, हरि की कथा को नहीं समझ पाते, ये बीच में उबासी लेंगे, करते रहेंगे, बीच में मोबाइल फोन करें, यहाँ यहाँ वहाँ देखते रहेंगे, पत्ते को देख लेंगे, फूल को देख लेंगे, पंखे को देख लेंगे, एसी को देख लेंगे, दीवार को देख लेंगे, लेकिन हरि कथा में अब्सॉर्ब नहीं हो पाते ये, बिकॉज ऑफ देयर डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो इसीलिए ये जो कामुक जो लोग हैं वो भी हरि भक्तियों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। कौन है जो वाकई में आशीर्वादित है? आशीर्वादित वो हैं हर व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसका संग भक्तों के साथ हो गया है, उसके जीवन में वाकई में प्रभु का आशीर्वाद है। ऐसा समय आशीर्वाद से भरा हुआ है जिसमें साधु संग है। ऐसा जन्म आशीर्वाद से युक्त है जिसमें वैष्णव का संग है। और ऐसा परिवार आशीर्वादित है जिसमें श्री राम का भक्त, हरि का भक्त जन्म लेता है, वो आशीर्वादित है ऐसा। तो वैसे तो कोई सोचे कि मैं दान से, तपस्या से, यज्ञ से, वैराग्य से मैं मुक्ति प्राप्त कर लूँगा, तो तुलसीदास जी बता रहे कि ना, ये सब करके ना मुक्ति प्राप्त होती नहीं है। मुक्ति प्राप्त सिर्फ श्री राम की कृपा से ही प्राप्त होती है, और जो श्री राम की कृपा प्राप्त करेगा उसको मुक्ति प्राप्त होगी, अन्यथा बाकी वो सब कर ले। ये सब करने का तो फायदा है,
जप तप वैराग्य व्रत जीव दया दान यज्ञ इत्यादि, इसका लक्ष्य ये है कि हरि के चरणों में राम जी के चरणों में प्रीति हो जाए, कि राम जी के चरणों में प्रीति हो जाएगी तो फिर राम जी के आशीर्वाद से फिर हमको मुक्ति मिल जाएगी, ठाकुर जी के चरणों में हमारा अनुरक्ति हो जाएगी, ये इसका लक्ष्य है वास्तव में। लेकिन मान लीजिए अगर कोई नहीं कर पाता तप जप वैराग्य दान ये सब नहीं कर पाता, तो उसके लिए फिर वन शॉर्टकट तरीका ये है श्री राम की कथाएं, श्री राम की कथाओं को बार 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 इन हरि कथाओं को सुन सुन करके हरि से प्रीति बढ़ेगी, उस प्रीति से फिर शक्ति मिलेगी कि हम ये सब भी कर सकें। और इससे भी अल्टीमेटली होना क्या है, भगवान के चरणों के प्रति प्रीति ही आएगी। तो इस प्रकार से वास्तव में भगवान की कृपा से ही सब कुछ पाता है, लेकिन भगवान की कृपा जो है वो उन्हीं कथाओं में समाई हुई है, इसलिए कथाएं बोलनी भी चाहिए, सुननी भी चाहिए, उन्हें प्रश्न पूछने चाहिए। जैसे भागवतम के अंदर आ रहा है कि हरि कथा इतनी महान है कि हरि कथा को जो बोलेगा, जो प्रश्न पूछेगा और जो सुनेगा, इन तीनों को लाभ मिलेगा। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं इन द डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा हरि कथा करने वाले को, सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा उसको। सेकंड लाभ मिलेगा प्रश्न पूछने वाले को, सिल्वर मेडल। और थर्ड लाभ मिलेगा सुनने वालों को, कि मैंने प्रश्न भी नहीं पूछा लेकिन सुने वो, तो उनको भी लाभ मिलेगा, बट डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसीलिए सबसे ज्यादा लाभ चाहते हो तो हरि कथा बोलनी भी चाहिए, तो सुनने के बाद फिर इसको बोलना भी, इसको रिपीट भी करना है और को हमें प्रोपगेट करना है इसको, तो ये भी हमको करना चाहिए। प्रश्न ही पूछना चाहिए, ऐसा नहीं प्रश्न पूछने का जिम्मेदार सिर्फ जयद्वारका प्रभु का ही है, और भक्तों भी प्रश्न पूछने चाहिए। वी शुड टेक इंस्पिरेशन कि जयद्वारका प्रभु ऑलवेज इज लिसनिंग नाइसली, तो उसके बाद फिर प्रश्न पूछते हैं, राइट। तो हमें फिर प्रश्न ही पूछने चाहिए और साथ में ध्यानपूर्वक सुनना भी चाहिए ऐसा। तो ये जब करेंगे तो फिर हम हरि कथा का वो लाभ उठा पाएंगे। तो ये गंगा की तरह, गंगा के टच में जो भी आए उसका लाभ होता है, कोई उसमें जो आचमन कर ले उसका भी लाभ होता है, वो उसमें लोटा भर के अपने ऊपर डाल ले उसका भी लाभ होता है, जो उनमें डुबकी लगा दे उसका भी लाभ होता है, लेकिन जो डुबकी लगाएगा उसका सबसे ज़्यादा लाभ होता है, जो लोटा अपने ऊपर डाल ले उसका सेकंड लाभ होता है, जो उसमें से अंजलि में भर करके ओम केशवाय नमः कर ले उसका भी लाभ होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लाभ होता है जो कि हरि नाम लेते लेते गंगा में स्नान करे। यस, तो ऐसा इस प्रकार से हरि कथाओं का जो है पान करना अत्यधिक अत्यधिक आवश्यक है। तो इस प्रकार से आज हमने सुना श्री राम ने किस प्रकार से अपनी लीलाओं को समाप्त किया। कुछ मूर्खानंद ऐसे लोग भी हैं जो अमरूद के कीड़े पपीते के छिलके ऐसे लोग भी हैं जो ये मानते हैं कि श्री राम ने अपनी लीला समाप्त की आत्महत्या करके, वो दुखी हो गए, वो फिर सरयू नदी में वो भी कूद गए, उससे पहले सीता मैया ने भी आत्महत्या कर ली थी, लक्ष्मण ने भी आत्महत्या कर ली थी, अयोध्या वास अच्छा सैड स्टोरी कि सब आत्महत्या करके। पर ऐसे मूर्खानंद लोग जो होते हैं वो ये एक बात कभी नहीं समझ सकते कि इसके बाद हुआ क्या, क्या वो सरयू नदी में चले गए फिर क्या हुआ, उसका वो कहता वो किताब बंद कर कहता बस रामायण पढ़ ली हमने, सर आगे भी ये है, आगे ये हुआ कि अनंत शेष लक्ष्मण जी प्रकट हो गए अनंत शेष के रूप में, तो उनके जो चक्र हैं जो उनके शंख हैं शत्रु वहाँ भरत वो भी हैं, श्री राम भी हैं वहाँ पर, सीता मैया भी हैं, अयोध्यावासी इनके साथ एज इट इज गए, ये भी तो पढ़ना चाहिए रामायण के अंदर। तो इस प्रकार से श्री राम ने अपनी लीलाओं को समाप्त किया। अगेन मे बी इन सम अदर यूनिवर्स फिर से लीला चल रही है, हालांकि हरि कथा की लीला तो हमेशा चल रही है, श्री राम की लीला चलती है त्रेता युग में फॉर 11,000 ईयर्स या कुछ जगह लिखा 12,000 ईयर्स, लेकिन हरि कथा की लीला तो नित्य है, सतयुग में त्रेता में द्वापर में कलयुग में हमेशा चल रही है लीला, कथाओं की लीला, श्री राम की कथाओं की लीला। तो इसीलिए इन लीलाओं में भाग लेना है हमें, तो इस लीला में भाग लेना चाहिए, शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म की जो लीला है इस लीला में हमको भाग लेना चाहिए। तो इससे सबसे अधिक सौभाग्यशाली कौन है, जो वो हैं जो हरि कथा में इनको एक बार बैठने का मौका मिलता है, ऐसे लोग सौभाग्यशाली हैं, जो हरि कथाओं में बार बार बैठते हैं वो और सौभाग्यशाली हैं, और सबसे अधिक सौभाग्यशाली हैं जो नियमित रूप से हरि कथा भी सुनते हैं और वैष्णवों की सेवा भी कर पाते हैं, वो सबसे अधिक सौभाग्यशाली हैं। सो देयर आर फॉर्चुनेट मोर फॉर्चुनेट एंड मोस्ट फॉर्चुनेट, सो वी शुड ट्राई टू बिकम मोस्ट फॉर्चुनेट एक्चुअली हियरिंग हरि कथा नॉट जस्ट वंस साल में एक बार या कभी कभी ना, ऑलवेज ऑलवेज नित्यम भागवत सेव्या, ये हमें करना चाहिए। जब हम ये करेंगे हरि कथाओं को श्रद्धा भाव से सुनेंगे, ये कथा का श्रवण करने का ये जो भाव है इससे सेवा होती है, हरि कथाओं की सेवा होती है, जब सेवा होती है तो फिर हमें फिर कृपा प्राप्त होती है, उससे फिर श्रद्धा आती है हमारे पास, दैट्स द वे एक्चुअली। तो इसीलिए श्रद्धा भाव से सुनना ये बहुत अधिक आवश्यक है।
तो इसलिए तुलसीदास जी बता रहे हैं रामचरितमानस के अंदर आखिर में कि जो इस राम कथाओं को जो कि श्रद्धा भाव से सुनता है उसका जीवन फिर धन्य होगा ही होगा। दिस इज अ शॉर्टकट वे श्रवण करना, श्रवण करके भक्ति में आगे बढ़ना, श्रवण करके अपनी भक्ति को नरिश करना, श्रवण करके जो भक्ति बीज है उसके ऊपर हम पानी डालते हैं और पानी डालते हैं फिर उसमें स्प्राउटिंग होती है। साधु संघ की धूप में हरि कथा के श्रवण में जो भक्ति की कथा का जो बीज होता है वो अंकुरित होता है, फिर वो बड़ा होता है और बड़ा होता है। लेकिन सब बार बार ये दो चीज़ें हमेशा करनी पड़ती हैं, सूरज की रोशनी भी और पानी भी। पानी है श्रवण कीर्तन और सूरज की रोशनी है साधु संघ। जब ये दोनों हमेशा होते रहेंगे फिर ये बीज क्या करेगा, अंकुरित होकर बड़ा होते 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 फाइनली ये जो लता है बड़े होते 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 ये पहुँचती है ठाकुर जी के धाम में, वहाँ फिर ये फूल बनती है। ये फूल है भाव भक्ति, फिर इसमें फल निकलता है, मीठा फल वो है भगवत प्रेम। लेकिन तब तक पानी डालते रहना, उसके बाद भी पानी डालते रहना, पानी डालते रहना, धूप देते रहना, पानी डालते रहना, धूप देते रहना, ये करते रहेंगे, दैट्स द परफेक्शन एक्चुअली। तो इसीलिए जीवन की वास्तविक सफलता है कि हम श्री राम के बारे में सुने, जैसे कि अभी हमने ये रामायण जो पूरी कर पाए ये निश्चित रूप से हम आशीर्वाद से पूरी कर पाए, बिना आशीर्वाद के हम हरी कथा पूरी नहीं कर सकते। और जब श्री राम जा भी रहे थे तो उस वक्त सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो पीछे रह गए थे, वो कौन थे, हनुमान जी, जस्ट टू एंश्योर कि राम कथाएँ चलती रहें। जहाँ चलती रहती हैं उन राम कथाओं को रिलिश भी करते हैं, भले टूटी फूटी करते हैं हम राम कथा, लेकिन फिर भी हनुमान जी रिलिश करते हैं। जिस तरह से माता पिता अपने बच्चों की तोतरी भाषा को रिलिश करते हैं, बच्चों को जी बोलते रहते हैं पापा पापा लव यू पापा बाबा 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 लव यू, कहता है देखो बोल रहा है लव यू बोल रहा है, अरे देखो कितना प्यारा बच्चा है, अरे बच्चों की तोतरी भाषा माता पिता को आनंद देती है। उस तरह से हम भी भले ही हरि कथा श्री राम कथा दक्षतापूर्वक ना कर सकें, उसमें मिस्टेक्स भी होंगी, गलतियाँ भी होंगी, लेकिन फिर भी हनुमान जी हमको बच्चे के रूप में देख करके आनंद लेते हैं कि देखो बच्चे प्रयास कर रहे हैं श्री राम कथा बोलने का, प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से फिर हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और साथ ही कृपा भी देते हैं, जो सुनने वाले हैं उनके ऊपर भी कृपा करते हैं, जो बोलने वाले हैं उनके ऊपर भी कृपा करते हैं हनुमान जी। तो जैसे हनुमान जी इज ऑलवेज एंक्शियस टू हियर हरि कथा एंड स्प्रेड हरि कथा, क्योंकि हरि कथा के जो सम्राट हैं वो हैं हनुमान जी, जो राम लीला के अंदर ही रामायण कर दे, रामायण के अंदर ही रामायण बोल दे दो बार, सीता जी रामायण भी कर दे और रामायण भी कर दे, रामायण मतलब कि सीता मैया, रमा उनका आयन यानी कि उनकी कथा, और रामायण यानी राम जी कथा भी कर दे रामायण के अंदर ही अंदर, तो वो तो हनुमान जी है वास्तव में। दूसरे जो ग्रेट टीचर्स हैं राम कथा के वो हैं लवकुश। तो इस प्रकार से जो लवकुश हैं वो भी दे आर द एक्सपर्ट प्रीचर्स ऑफ श्री राम लीला। तो इसीलिए इनका आशीर्वाद देते हुए, लवकुश जी का आशीर्वाद देते हुए, हनुमान जी का आशीर्वाद देते हुए कि आप हमारे लिए यहाँ पर हैं ताकि संसार के अंदर हरी कथाएँ ठीक से होती रहें आपके आशीर्वाद के द्वारा और संसार का भला होता रहे, तो मैं हनुमान जी के चरणों में भी कृपा की याचना करनी चाहिए वास्तव में। परम राम भक्त श्री हनुमान जी की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।